Assalamu alaikum, once again welcome back to my channel Brain Gain. We are dealing with linear algebra and today we will start the new concept with the symmetric matrix. So as we always start with the definition, so here we will do so too. Symmetric matrix kaisi hoti hai? इट इज अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए हो सच दैट कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज दूं तो वो वापस मुझे ए मिल जाए. और ये कैसी स्केयर मैट्रिक्स होगी, एन क्रॉस एन ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स. मेन डायगोनल आर्बिट्रेरी अदर एंट्रीज इन पेयर ऑपोजिट टू साइड्स ऑफ मेन डायगोनल्स. ये बात जो हुई इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये पहली एग्जांपल आपकी के 1 और माइनस 3, 0 और 0. ठीक है, फिर आप लोगों का ये जो है ए बी सी, ए बी सी डी ई और ई और एफ. उसने कहा था कि आपकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो डिस्टिंक्ट होती हैं. ये 1 है और ये माइनस 3 और ऑपोजिट एंट्रीज सेम होती हैं, दूसरी नॉन डायगोनल की 0 0 सेम. ठीक है, ए डी और एफ ये डिस्टिंक्ट है, ये बी और बी एक जैसी, ये सी और सी एक जैसी, ये ई और ई एक जैसी. तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, और अगर मैं आप इसका इसका ट्रांसपोज लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 और 0 और 0 और माइनस 3. ठीक है, तो ऑल वो सेम ही मैट्रिक्स आएगी. ठीक है, फिर मैं यानी कि क्या होता है, कॉलम जो होता है वो रो में चेंज हो जाती है. अगर मैं इस कॉलम ए बी सी को रो में लिखूं तो ये ए बी सी, इसको फिर मैं रो में लिखूं तो ये बी डी और ई, और इसको लिखूं तो ये सी ई और एफ. अब अगर मैं इसका मुआयना इसके साथ करूं तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली वही चीज है. ठीक है, इस वजह से ऐसी मैट्रिक्स को जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद देखा जाए और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहे, उनमें कोई चेंज ना आए, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है. सो नाउ वी विल बी डीलिंग विद द एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम योर बुक. उसमें कहते हैं इफ पॉसिबल डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए. ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास कैसी है, 6 माइनस 2 माइनस 1 और फिर माइनस 2 6 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 5. तो ये आप देख रहे हैं 6 6 5. अच्छा, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है. ठीक है, तो अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस तरह डायगोनलाइज करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रूल्स फॉलो होते हैं और किस तरह डायगोनलाइज करने में कोई आसानी है, हम उस चीज को देखेंगे. डायगोनलाइज करते वक्त हम सबसे पहले आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, और आइजन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और लैम्डा एक कांस्टेंट है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए है. ए का ऑर्डर 3x3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 3x3 का होगा. ठीक है, और जब मैं इसको ए माइनस लैम्डा आई करूंगा और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास 6 माइनस लैम्डा और फिर ये माइनस 2 माइनस 1 और ये माइनस 2 और ये फिर 6 माइनस लैम्डा और ये माइनस 1 ये माइनस 1 ये माइनस 1 और ये 5 माइनस लैम्डा, इस तरह से आएगा. लेट्स सपोज दिस इज ए माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स है. ठीक है, डिटर्मिनेंट लेते हुए मैं इस तरह से साइन कर दूंगा. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसको 0 के बराबर मैं पुट करूं अगर तो 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 फिर 6 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 5 माइनस
लैम्डा। इसको अगर मैं जीरो के बराबर पुट करूं और फिर अपने इसमें इसको ओपन करूंगा, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि 3 cos 3 का डिटर्मिनेंट कैसे खुलना है। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन आएगी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा प्लस 144 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास लैम्डा क्यूब क्या बता रहा है, 3 लैम्डा की वैल्यूज होंगी और हमें चाहिए भी 3, क्योंकि ये 3 cos 3 का मैट्रिक्स है, ऑटोमेटिकली हमें पता है इस बात का। इसको मजीद जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो माइनस इंटू लैम्डा माइनस 8 और लैम्डा माइनस 6 और आप लोगों के पास लैम्डा माइनस 3 ये आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये उस साइड पे चली जाए तो प्लस हो जाएंगी वैल्यू सारी। तो लैम्डा माइनस 8 आपको देगा लैम्डा इज इक्वल टू 8, ये आपको देगा लैम्डा इज इक्वल टू 6 और ये आपको देगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग जो है लैम्डा इज इक्वल टू 8 के ऊपर आपको वी वन वैक्टर मिलेगा, आइजन वेक्टर। जब आप इस लैम्डा की जगह 8 पुट कर देंगे और इस मैट्रिक्स सिस्टम को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आइजन वेक्टर मिलेगा वो किस तरह से निकालना है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस 1 1 और 0। फिर जब लैम्डा की वैल्यू 6 डालेंगे और सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 0 के बराबर रख के सिस्टम को सॉल्व करना है, तो आपको वी टू मिलेगा जो कि होगा -1 -1 और 2। फिर लैम्डा की वैल्यू 3 रख के आपको V3 आइजन वेक्टर मिलेगा जिसका निकलेगा 1 1 1। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों के पास अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करते हुए हम पहले हम लिखते थे P मैट्रिक्स होता था हमारा V1 V2 और V3, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हम इन मैट्रिसेस को इनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल बेसिस टाइप काम करते हैं इसके अंदर। खैर, हम यहां भी करेंगे, हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास पहला वेक्टर है v1, लेट्स सपोज आप इसे कह लें, अच्छा अब इसको v1 डैश कह लें, इसको v2 डैश कह लें और इसे v3 डैश कह लें। ठीक है, तो हमारे पास v1 निकालने के लिए हम v1 डैश को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1 और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, और ये 2 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 / √2 एंड 1 / √2 और 0 / √2 विल एज बी 0। V2 के लिए आप क्या करेंगे, V2′/V2′ की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 अगेन +2 का स्क्वायर 4 और ये आपका √6 के बराबर आ जाएगा। तो V2 आपका हो जाएगा -1 / √6 अगेन -1 / √6 और दूसरा आपके पास 2 / √6। ठीक है, और V3 के लिए V3′/its magnitude, तो V3 में आपके पास ये 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 और फिर 1 और ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 / √3 1 / √3 और 1 / √3। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि V3′ के अंदर पहले भी कोई डिनोमिनेटर हो तो उनको पहले आपने खत्म करना है। ठीक है, जब आप ग्राम स्मिथ प्रोसेस के थ्रू जाएं या कुछ जो आइजन वेक्टर्स निकालने का प्रोसेस था उसके थ्रू अगर आए और पहले आप V1′ निकालते वक्त आपके पास आ रहा हो -1 / √2, तो आपने क्या करना है, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है। ठीक है, फिर ये V1′, V2′ और V3′ ऐसे जो है होल नंबर्स के तौर पर हमें चाहिए और उनसे फिर हम V1, V2, V3 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे U1, U2, U3 भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हमारे पास जो होगा फिर जो वी वेक्टर होगा एक या पी वेक्टर होगा, तो मैं उसे कहेंगे पी वेक्टर में हमारे पास आ जाएगा, फिर मैं इस चीज को रेस करता हूं यहां से, तो आप लोगों के पास
पी में आपका आ जाएगा V1, V2 और V3, ठीक है। तो V1 आप लोगों के पास जो था वो था -1/√2, 1/√2 और 0। V2 आपके पास था -1/√6, -1/√6, 2/√6, और ये था फिर 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये आपका पी मैट्रिक्स हो गया। एक डायगनल मैट्रिक्स भी होता था, जब हम डायगनलाइज कर रहे होते थे उसमें वहां पर आइजन वैल्यूज आते हैं, ठीक है। ये आइजन वेक्टर्स आते थे ऑर्थोगोनलाइज स्पेसेस के तौर पर, यानी कि अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड होकर, और डायगनलाइज करेंगे तो वो आइजन वैल्यूज आएंगी करस्पोंडिंग आइजन वेक्टर के। ये V1 हमें किस आइजन वैल्यू से मिला था? 8 से, तो 8 लिखेंगे 0 0। फिर दूसरा हमें मिला था 6 से, तो 0 6 0। तीसरा हमें मिला था 3 से, दैट इज 0 0 3, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स लिखा जाएगा, यानी कि उसी तरह फिर अगर, अच्छा एक और बात है उसको आप जेन नशीन करेंगे सबसे पहले, फिर हम आगे चलेंगे कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्रॉस एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ऐसे केस में देन एनी टू आइजन वेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट आइजन स्पेसेस आर ऑर्थोगोनल होने चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम पहले देख चुके हैं। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एक दूसरे के उल्ट ये बातें बयान की गई हैं कि अगर ए कोई एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आखिर में उसने कहा है इफ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दैट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ठीक है, जिस तरह से हमने इसको डायगोनलाइज किया है, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, कब हो पाएगी वो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल? जब आपका ए जो है वो एक एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज का ए होगा, और फिर हम उसको कैसे लिखते थे, पी डी और पी इनवर्स के तौर पर मैट्रिक्स ए को लिखते थे। और पी और डी क्या है ये आप देख चुके हैं, ठीक है। नाउ वी बी कवरिंग द एग्जाम्पल 3। इसके अंदर है आप लोगों के पास अगेन एक ए मैट्रिक्स है 3-2 4, -2 4 और 6 2 2 3, ठीक है। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगेन आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ एक लैम्डा कांस्टेंट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0, 1 0 0 0 1, और ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट आप 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। वो इस तरह से हो जाएगा आप लोगों के पास के 3-लैम्डा -2 4, -2 6-लैम्डा 2 4 2, 3-लैम्डा, इस चीज को 0 के बराबर, इससे आप एक इक्वेशन आपके पास आएगी -λ³ +12λ² -21λ और -98 इज इक्वल टू 0। फिर इससे आपके पास -λ-7² और λ+2, यानी कि दो दफा आप लोगों के पास, ये उस तरफ भी आगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं वैल्यूज, तो दो दफा आप लोगों के पास लैम्डा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, एक दफा लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 7 पुट करने पे मुझे दो वेक्टर्स मिलेंगे, और लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करने पे मुझे एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 7 पुट करता हूँ तो मेरे पास दो वेक्टर्स आते हैं, एक आता है V1, लेट्स सपोज V1 है एक, ठीक है, V1 डैश कह लें, चले V1 डैश जो है वो है 101, ठीक है, और V2 डैश जो मेरे पास आएगा उसे आप कह लें वो आएगा -1/2, 1 एंड 0, ठीक है, और -1/2, 1 और 0,
अच्छा इस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू से वी थ्री कह लें या वी थ्री डैश कह लें, एक ही बात है, चलें वी थ्री डैश ही कहें इसे भी। ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट माइनस वन बाय टू एंड देन वन, ठीक है। ये चीजें आ गई, पर हमने तो कहा था ये ऑर्थोगोनल होते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल में क्या होता है, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है, ठीक है। अगर हम चेक करें तो वी वन जो है वो वी टू से ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, यानी कि ऑर्थोगोनल नहीं होगा उसके। ऐसे केस में भी हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस को यूज करते हैं, और उससे हम एक्स टू जब निकालते हैं तो वो हमारा आता है वी टू माइनस एक्स टू डॉट वी वन डिवाइडेड बाय वी वन डॉट वी वन, ठीक है। और इसको जब आप सारा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा माइनस वन बाय फोर और वन और अगेन वन बाय फोर, ठीक है। ये एक्स टू आप लोगों के पास आ जाएगा। और इससे फिर आप लोगों के पास, अच्छा यू वी वन अब क्या कैसे निकलेगा, जो आपका था उसका मैग्नीट्यूड लेके उससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू अगेन जीरो एंड देन अगेन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, ठीक है। पर वी टू तो हमने देखा कि वो इससे नहीं था, क्योंकि वन ये इससे आ जाएगा फिर जीरो, और ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास जीरो वैल्यू नहीं आ रही थी, यानी कि वी वन डैश वी टू डैश के ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करने से टर्म बाय टर्म और ऐड करने से हमें जीरो नहीं मिलता, तो हमने इसे से ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगा के एक ऑर्थोगोनल वेक्टर तलाश करने की कोशिश की, जिसका हम देखते हैं कि हमारे पास आता है कि मैंने सबसे पहले कहा था कि कोई इस तरह वेक्टर आ जाए। अगर मैं इसे एक्स टू डैश कह लूं तो मैं एक्स टू निकालूंगा फोर इंटू एक्स टू डैश, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस वन फोर एंड वन, ठीक है। और जो मेरा वी टू होगा वो एक्स टू डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड क्या आएगी, माइनस वन का स्केयर वन प्लस फोर का स्केयर सिक्सटीन प्लस वन का स्केयर वन अंडर रूट सेवनटीन, ठीक है, एटीन आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आप लोगों का ऑलमोस्ट इस तरह से आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एटीन और फोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एटीन और वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एटीन। एटीन को आप नाइन टू जार भी लिख सकते हैं, और नाइन को नाइन इंटू अंडर रूट टू का थ्री इंटू अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, थ्री अंडर रूट टू, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वी टू भी यहां मिल गया, और अब बात रहेगी वी थ्री की, ठीक है। तो वी थ्री जो है वो जो होगा उसको भी हमें वी थ्री डैश में पहले डिनोमिनेटर एक तो मिला हुआ है, ठीक है। तो वी वन के अंदर कोई नहीं था तो हमने उसको एज इट इज लिखा, वी टू वैसे ऑर्थोगोनल नहीं था तो उसको ग्राम स्मिथ प्रोसेस के थ्रू ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करके फिर उसका डिनोमिनेटर भी हमने खत्म किया यहां पर। और अब जो है वी थ्री डैश की बारी है, तो वी थ्री डैश हमें वी थ्री लाने से पहले एक तो इसको डिनोमिनेटर से मुझे खत्म करना पड़ेगा इसका, तो वो इस तरह से होगा कि मैं एक्स थ्री एक जैसे निकाल लूंगा एक्स थ्री विच इज इक्वल टू टू इंटू वी थ्री डैश, ठीक है। तो जैसे एक्स थ्री डैश आप कह लें, जैसे उसे एक्स टू डैश का या एक्स थ्री कह लें चले, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस टू माइनस वन एंड अगेन टू, ठीक है। और वी थ्री के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वी थ्री होगा आपका ऑलमोस्ट एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एक्स थ्री की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एक्स थ्री की मैग्नीट्यूड क्या है, टू का स्केयर फोर प्लस वन माइनस वन का स्केयर वन प्लस टू का स्केयर फोर, तो ये अंडर रूट नाइन यानी कि थ्री आ जाएगा आंसर। तो मैं एक्स थ्री की हर वैल्यू को थ्री से डिवाइड कर लूंगा, माइनस टू बाय थ्री और माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स निकल आए। अच्छा अभी क्या मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने आइजन वैल्यूज निकाली, फिर उनके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकाले, फिर
और आपने देखना है कि आपस में वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑर्थोगोनल में क्या होगा, आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जीरो के बराबर आ रहा है या नहीं चेक करेंगे। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उस चीज को एक ग्राम स्मिथ प्रोसेस के थ्रू एक आइजन वेक्टर उसका निकालेंगे। ठीक है, वो निकालने के बाद आप जो है देखेंगे कि उसमें कोई डिनोमिनेटर तो नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर नहीं आ रहा तो फिर उसको बस उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अगर डिनोमिनेटर आ तो पहले डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर खत्म करें, फिर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आप ये वेक्टर्स निकालेंगे। वी वन को तो हमने ऐसे ही निकाल लिया था, फिर वी टू ऑर्थोगोनल नहीं था, उसको ग्राम स्मिथ के थ्रू निकाला, और फिर डिनोमिनेटर में फोर आ रहा था, फोर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये निकाला। और वी थ्री में भी डिनोमिनेटर में एक चीज आ रही थी, फिर उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और वेक्टर निकाल लिया। तो अब आप लोगों के पास वी वन, वी टू और वी थ्री निकल चुके हैं। और पी वेक्टर आपका कैसे निकलता है, वो ऐसे ही निकलता है कि वी वन, वी टू और वी थ्री। ठीक है, और डी मैट्रिक्स कैसे निकलता है, यानी कि वी वन और कोरेस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यूज डाली जाती हैं, तो वो 7 0 0 0 7 0 0 0। और तीसरी आइजन वैल्यूज हमारे पास क्या थी, -2। ठीक है, तो ये चीजें थी। सो और ऑर्थोगोनलिटी में एक चीज होता है, हम करते हैं ना कि ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। यहाँ पे जो आपका पी इनवर्स होता है वो पी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये एक आप लोगों को प्लस पॉइंट मिल जाता है जल्दी से चीजों को सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 है एक उस पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों के पास एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज 4 2 2 -2 2 4 2 और 2 4। ठीक है, अच्छा ये सॉरी यहां पे ये पॉजिटिव 2 ही है, आई थिंक सो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। अगेन आप लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, एक लैम्डा कांस्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि 4 माइनस लैम्डा 2 2 2 4 माइनस लैम्डा 2 2 2, और ये फिर अगेन 4 माइनस लैम्डा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो आप लोगों के पास इस तरह से एक वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा माइनस 2 होल का स्क्वायर लैम्डा माइनस 8, यानी कि 2 वाली वैल्यू। इससे आपको लैम्डा इज इक्वल टू 2 और इससे आपको लैम्डा इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करने पे आप लोगों को एक आइजन वेक्टर मिलेगा, दैट उसे आप वी वन कह लें, तो वो है -1 1 और 0। ठीक है, इसे वी वन डैश कह लें, तो वी वन आपको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलेगा, तो वो क्या होगा, -1 / √2 1 / √2 एंड देन अगेन 0। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करने, 2 नहीं 7 है आप लोगों के पास, 7 सॉरी। ठीक है, No, it was 2, yes. तो फिर उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स है हमारे पास, तो एक और वेक्टर भी आप लोगों को मिलेगा, दैट विल बी v2 डैश कह लें उसे, वो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से -1 0 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये -1 × -1 1 0 + 0, ये आपको बेसिकली ऑर्थोगोनल नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, x2 फाइंड आउट करेंगे और इसे x2 डैश कह लें। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा v2 डैश या x2 डैश -x2 - v1 डिवाइडेड बाय v1 - v1। ठीक है, और इनटू v1, इसको आप सॉल्व करके आप लोगों के पास एक ये वेक्टर आएगा माइनस, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया है -1 / -1 / -1 / 2। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ये 1 आएगा, 1 / 1 कहने से। हमें तो x2 चाहिए जो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x2 डैश होगा, और जो कि इस तरह से कुछ आएगा।
माइनस वन एंड टू, ठीक है। और वी टू के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स टू को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो वन का स्क्वायर वन और वन, और ये टू का स्क्वायर फोर, ये अंडर रूट सिक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स, फिर अगेन माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स और टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स। अब जो तीसरी आइजन वैल्यू है वो पुट करें लैम्डा इज इक्वल टू एट, उससे आप लोगों को एक वी ए थ्री डैश मिलेगा जो कि होगा वन वन वन, ठीक है। और मैं वी थ्री कैसे निकालूंगा, वी थ्री डैश को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो वो आएगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री एंड वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री, ठीक है। और आप लोग फिर इसी तरह P वेक्टर किस तरह से लिखेंगे, अपना V1, V2 और V3, और D वेक्टर इनकी करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यूज होंगी 200, 020 और 00, और तीसरी आई थिंक 8 लाइन आइजन वैल्यू थी, ये पुट करें, ठीक है। और प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं, A इज इक्वल टू P इनवर्स DP, और देन ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स डी, और जो होता है ये पी इनवर्स को आप पी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी, और यानी कि इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने इस रिजल्ट को कि आपकी मैट्रिक्स सही आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन को चेक करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, और ऑलमोस्ट दो एक लेक्चर और होंगे और हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। So thank you for watching. May God bless you. Allah Hafiz.